part-time. सक्सेस फॉर्मूला, ट्रिपल ए का फॉर्मूला, ट्रिपल ए सक्सेस ट्रायंगल इसको बोला जाता है, ठीक है। मैं आराम से समझाऊंगा, ये सक्सेस का फॉर्मूला है, क्या है, क्या लिखा है, एम्बिशन, एटीट्यूड, एक्शन। एम्बिशन क्या है, एटीट्यूड क्या है, एक्शन क्या है। एम्बिशन मतलब ड्रीम, आप जो पाना चाहते हो, कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज चाहिए, वो हो गया आपका एम्बिशन। जैसे डायमंड बनना, क्यों डायमंड बनना है, कि अगर मैं डायमंड बन जाऊंगा मेरे जो छोटे बड़े सपने हैं सारे पूरे हो जाएंगे आने वाले टाइम में। मेरा घर बनाने का सपना, विदेश जाने का सपना, बैंक ह्यूज बैंक बैलेंस और जो फ्रीडम, बच्चे को अच्छा शिक्षा दे दो, बच्चे को इंजीनियर बना पाऊंगा, बच्चे को डॉक्टर बना पाऊंगा, बेटी को अच्छी जगह में धूमधाम से शादी करा पाऊंगा अगर मैं डायमंड बन जाऊंगा तो ये एम्बिशन हो गया। एम्बिशन कोई भी छोटे से लेकर बड़े तक, दो महीने के अंदर इस चीज को मुझे पाना है, ये भी आपका एम्बिशन हो गया। कोई भी ड्रीम, जो चीज आपके पास नहीं वही आपका ड्रीम है। दो महीने के अंदर मुझे सिल्वर बनना है, क्या हो गया एम्बिशन। मुझे कंप्लीट टारगेट जीतना है, यूरोप का टारगेट जीतना है, थाईलैंड का टारगेट जीतना है, ये हो गया एम्बिशन। एटीट्यूड क्या हो गया, एटीट्यूड हो गया अब किस तरह इसको प्लानिंग करते हो, धीरे धीरे या स्पीड, किस एटीट्यूड के साथ आपको इस ड्रीम को पूरा करना है। डायमंड बनना है, डायमंड बनना है सर, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं सर, जैसे ही होता है करता हूं ना, आप तो देख रहे हैं ना, 25-30 साल में तो बन ही जाऊंगा, ये एक एटीट्यूड है सर। 3 साल में बनना है सर, 5 साल नॉर्मल पीरियड है, पर मैं 3 साल में बनूंगा, 5 साल नॉर्मल पीरियड है डायमंड बनने का, मतलब 3 साल में बनूंगा, ये हो गया आपका एटीट्यूड। उस ड्रीम को पाने के लिए डायमंड चाहिए आपको, इसको प्राप्त करने के लिए आपका एटीट्यूड। उसके बाद क्या होता है, एक्शन। एक्शन मतलब किस तरह का काम करते हो उसके ऊपर, किस तरह का काम करते हो। एक बार मैं एफएम रेडियो सुन रहा था, तो रेडियो जॉकी ने पूछा कॉलेज स्टूडेंट को, बच्चों बताओ आपका, आप किस तरह का स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट ने बोले सबने, सर हम फीस पीट के पास करने वाला स्टूडेंट है। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, इसके पीछे का फिलोसफी क्या है आपका, मतलब सर जो आज करना है कल करो, जो कल करना है परसों करो, मतलब जो आज पढ़ाई करना है कल पढ़ेंगे, जो कल पढ़ाई करना है और परसों पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फिर क्यों हो जाते हैं, मतलब अपने ड्रीम को ठीक टाइम में क्यों पूरा नहीं कर पाते हैं, एम्बिशन से ले लेते हैं, एम्बिशन तो ले लेते हैं। एम्बिशन अगर आपका 100% है, एम्बिशन 100% है ना, तो एटीट्यूड आपका 200% होना चाहिए, एक्शन आपका 300% होना चाहिए। यहां पे उल्टा होता है, क्या होता है, एम्बिशन हो गया आपका 100%, तो एटीट्यूड हो गया 50% और एक्शन हो गया 25%। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का देखो, कभी ठीक टाइम में पूरा होता है, बड़ा बड़ा प्लानिंग हो जाएगा, एम्बिशन बहुत बढ़िया, मेट्रो बनेगा, ये बनेगा, रास्ता पूरा चकाचक हो जाएगा, एटीट्यूड देखो और एक्शन, और धीरे 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 धीरे, समझ में आया। 5 साल का काम 15 साल में पूरा नहीं होता है। ज्यादातर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों काम करती है, उनका जो एम्बिशन तो ठीक है, एटीट्यूड 50% और एक्शन 28%, मतलब हमें ड्रीम को पूरा करने के लिए एम्बिशन अगर 100% है तो एटीट्यूड 200% होना चाहिए और एक्शन 300%। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने बोला कि सर 11 हफ्ते में मुझे सिल्वर बनना है, कितने हफ्ते में, 11 हफ्ते में सिल्वर बनना है, 11 हफ्ते में सिल्वर बनना है, आपने सिल्वर बना लिया, एम्बिशन हो गया, सर मैं सिल्वर बनना है, एलडीपी जो 15 और 20 के बीच में होगा मैं श्योर जाऊंगा, ये हो गया आपका एम्बिशन। यहां तक बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, आपका एम्बिशन बहुत बढ़िया है, आपने क्या प्लानिंग बनाया, क्या ड्रीम बनाया, तो डायमंड तो बनूंगा, अभी जो रिसेंटली मैंने 11 हफ्ते में मैं सिल्वर बन के एलडीपी प्रोग्राम में जाऊंगा,
जिम कार्पेट या नैनीताल में जाऊंगा, ये हो गया एम्बिशन। ये बहुत बढ़िया, आपने ठीक बनाया। उसके बाद एप्टीट्यूड क्या होना चाहिए? अगर 11 हफ्ते का आपने बनाया तो 5 हफ्ते में कैसे करना है ये होना चाहिए। और एक्शन क्या होना चाहिए? इस तरह का एक्शन करना है जैसे 2 ही हफ्ता बचा है। तो लोग क्या करते हैं, 11 हफ्ते में बनना है, प्लानिंग तो बन एम्बिशन ले ले 11 हफ्ते में बनना है, ऐसे एटीट्यूड के काम करते हैं जैसे 22 हफ्ता है। जैसे कितना हफ्ता है? 22 हफ्ता है। जो फील्ड में जो उतरते हैं काम ऐसे करते हैं जैसे 1 सेल निकालना है, 11 हफ्ते में 50 सेल करना है, तो हफ्ते का कितना है? 4 point something, तो 5 हो गया ना, तो हफ्ते का 5 सेल करना है ना, हफ्ते का 5 सेल है। देखो चीज को समझो दोबारा, मुझे 11 हफ्ते में सिल्वर बनना है, एम्बिशन हो गया सिल्वर बनना। एटीट्यूड क्या आना चाहिए आपका? 11 हफ्ते से कम में, तो 6 हफ्ते या 7 हफ्ते में आपको बनना है। तो हफ्ते का कितना हो गया? 5 है आपका, 15 से 300% होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए। एक्शन क्या होना चाहिए? एम्बिशन का दुगुना होना चाहिए, एटीट्यूड तिगुना होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए एक्शन। तो आपको 5 सेल चाहिए हफ्ते का, तो एक्शन फील्ड में कितने सेल के लिए होना चाहिए? 15 सेल जैसे इसी हफ्ते में चाहिए, उसी तरह का आपको काम करना, उतने सारे प्लान फॉलो करना है, बहुत एग्रेसिवली आपको करना है, तभी तो जाके वो पूरा होता है ठीक टाइम में। तो हम क्या करते हैं, 11 हफ्ते में बनना है, सिल्वर बनना है, एलडीपी जाना है, ठीक है एम्बिशन। एटीट्यूड क्या है? जैसे 22 हफ्ते पूरा करना है। एक्शन ऐसे काम कर रहे हैं जैसे 1 या 2 सेल निकालना है, चलो आज टाइम नहीं है कल कर लूंगा परसों कर लूंगा। तो एक्शन हमेशा 3 गुना होना चाहिए। एक्शन क्या होना चाहिए विक्रम? 3 गुना। अगर 5 सेल चाहिए तो 15 सेल के ऊपर काम होना चाहिए, अगर 2 सेल चाहिए तो 6 सेल के ऊपर आपका काम होना चाहिए। मुझे 6 सेल करना है इस हफ्ते। अगर किसी काम को 10 हफ्ते में पूरा करना है, किसी टारगेट को 10 हफ्ते पूरा करना है, तो एटीट्यूड क्या होना चाहिए? नहीं 10 हफ्ते नहीं है, मैं 7 हफ्ते में पूरा करूंगा। कितने हफ्ते में पूरा करूंगा? मैं 7 हफ्ते में पूरा करूंगा, 7 हफ्ते में पूरा करूंगा, एटीट्यूड हो गया। माने एग्रेसिव एटीट्यूड आपका, नहीं 10 हफ्ता नहीं, मुझे 7 हफ्ते में पूरा करना। और एक्शन क्या है? 5 सेल चाहिए, नहीं मैं 15 सेल करूंगा इस हफ्ते, उसी टारगेट के ऊपर काम करना। जैसे आप 15 सेल करना, 5 सेल चाहिए ना, इस तरह एक्शन होना चाहिए, उस तरह प्लान सफल होना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज उस तरह होना चाहिए जैसे मुझे कितना सेल करना है, 15 सेल करना है इस हफ्ते। तो ट्रिपल ए फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। ट्रिपल ए फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। तो एंबिशन, एटीट्यूड, एक्शन। एंबिशन, एटीट्यूड, एक्शन। एंबिशन का 2 टाइम्स आपका एटीट्यूड होना चाहिए और 3 टाइम्स आपका एक्शन होना चाहिए। अगर 10 हफ्ते में पूरा करना है, ड्रीम है 10 हफ्ते में पूरा करना टारगेट को, तो 7 या 6 हफ्ते में पूरा करने वाले आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अगर 5 से हफ्ते का चाहिए तो काम किसके ऊपर होना चाहिए? 15 सेल के ऊपर होना चाहिए। एक्शन हमेशा 3 गुना होना चाहिए। किसी भी टाइम में किसी भी हफ्ते का टारगेट के ऊपर आप काम कर रहे हो, अगले हफ्ते में अलग अलग सिचुएशन में हम काम करते हैं, नहीं करते ना? जो लोग 6 महीने पुराना है, 1 साल पुराना है, कभी इवॉल्व आ गया, कभी किसी का प्रमोशन है, कभी कंप्लीट टारगेट का ये क्लोजिंग है, तो अगले मैंने जैसे जैसे अलग अलग हफ्ते में अलग अलग हमारा एटीट्यूड होता है, तो उसी हिसाब से एक्शन क्या होना चाहिए? हफ्ते का 2 सेल करना है, हफ्ते का 2 सेल करना है, तो एक्शन कितने सेल का होना चाहिए? अजय कितने सेल का होना चाहिए? 15 सेल। नहीं, अगर 2 सेल का चाहिए हमें, रिक्वायर्ड 2 सेल है, 6 सेल के ऊपर काम होना चाहिए, 5 चाहिए तो 15 के ऊपर काम होना चाहिए। सुंदर सर जी, 5 सेल चाहिए तो काम किसके ऊपर होना चाहिए? 15 सेल के ऊपर। अगर 10 हफ्ते में जिस काम को पूरा करना है, अगर सिर्फ इसको किस हफ्ते में पूरा करना है, 6 या 7 हफ्ते में पूरा करना है, ये होना है प्रॉपर फॉर्मूला है। जो सक्सेसफुल लोग हैं, किसी फील्ड में सक्सेस है तो इसी फॉर्मूला में काम करते हैं। हम इसी फील्ड में सक्सेस जो भी हुए हैं तो इसी फील्ड में काम किए हैं। तो हमें 11 हफ्ते में सिल्वर बनना है, तो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि 6-7 हफ्ते में खत्म करना है, 15 दिन से पहले खत्म करना है। अगर हफ्ते का टारगेट 5 आ रहा है, हम 15 के ऊपर काम कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है, राइट?